स्वागत है आपका SSIS के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम मल्टीकास्ट कंपोनेंट डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि मल्टीकास्ट कंपोनेंट हम किस लिए यूज करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट हम मल्टीकास्ट कंपोनेंट का यूज करके अचीव कर सकते हैं। तो जब हमने एक वीडियो बनाया था इससे पहले डिफरेंस बिटवीन डेटा फ्लो कंपोनेंट एंड कंट्रोल फ्लो कंपोनेंट, तब हमने उसमें ये देखा था कि जो डेटा फ्लो कंपोनेंट के अंदर एक सोर्स को हम एक ही डेस्टिनेशन से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रियल टाइम में या फिर जो रियल टाइम सिनेरियो आपके होते हैं जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एक ही डेटा सोर्स की कई सारी कॉपीज़ क्रिएट करनी पड़ती हैं और उन पर डिफरेंट डिफरेंट जो है वो ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, या फिर कभी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो एक डेटा सोर्स है उसकी आपको डिफरेंट कॉपी डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट फॉर्मेट में सेव करवानी है, तब जो है हम मल्टीकास्ट कंपोनेंट का यूज करके उस रिक्वायरमेंट को अचीव कर सकते हैं। तो मल्टीकास्ट कंपोनेंट जो है वो डेटा सोर्स की कॉपी बनाने के लिए यूज होता है और ये इस लिमिटेशन को ओवरकम कर देता है कि एक जो सोर्स है वो एक ही डेस्टिनेशन से कनेक्ट हो सकता है। तो मल्टीकास्ट कंपोनेंट का यूज करके हम एक ही सोर्स को डिफरेंट डेस्टिनेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको एक्शन में और समझते हैं और स्विच करते हैं विजुअल स्टूडियो पे, क्रिएट करते हैं एक नया पैकेज। तो पैकेज वाले नोड पे राइट क्लिक करके आप पैकेज जो है वो नया बना सकते हैं और यहाँ से फिर टूल बॉक्स से आपको क्या करना है कि डेटा फ्लो कंपोनेंट जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है और इस डेटा फ्लो के अंदर आप जो है वो एक सोर्स कंपोनेंट ले लेंगे। तो सोर्स कंपोनेंट जो है वो OLEDB सोर्स ले सकते हैं। टेक्निकली ये आपका कोई भी सोर्स कंपोनेंट जो आपको अवेलेबल है SSIS में वो हो सकता है, क्योंकि जो हमारा मल्टीकास्ट कंपोनेंट है वो ऐसा नहीं कि कुछ पर्टिकुलर सोर्स पे काम करता है, वो सारे ही सोर्स के लिए अवेलेबल होता है। तो इसको जो है वो रियल क्विक कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। हमारा जो इन मेमोरी कनेक्शन अवेलेबल है हम इसको यूज कर लेंगे। नया कनेक्शन कैसे बनाते हैं ये आप लोगों को पता है और अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप प्रीवियस वीडियो जो है 20 वीडियो सीरीज के उनको रेफ़र कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया कि कनेक्शन वगैरह कैसे बनाते हैं। तो यहाँ से जो है हम ऑर्डर लिस्ट की जो टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके कॉलम्स वगैरह जो है वो देख लेते हैं। ये हो गया। अब अगर हम अभी मल्टीकास्ट कंपोनेंट का यूज ना करें, ठीक है, तो उस सिनेरियो को आप एक बार देख लो। यहाँ पर हम ये ले आए डेस्टिनेशन, ठीक है। अब अगर आप सोर्स पर क्लिक करो तो आपको एक आउटपुट की लाइन दिख रही है जो कि ये वाली है और एक आपको एरर आउटपुट की लाइन दिख रही है जो कि ये रेड वाली है, ठीक है। तो अभी करंट सिनेरियो में इस डेटा सोर्स को आप एक ही डेस्टिनेशन से कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि इसमें एक ही आउटपुट की जो है लाइन है या एक ही आउटपुट का फ्लो है और एक जो दूसरा फ्लो है वो एरर आउटपुट का फ्लो है, तो वो अभी आपके काम का नहीं है। तो आपको जो है डेटा सोर्स की कॉपी बनानी है, तो इसमें से आपको डिफरेंट जो आउटपुट जनरेट करने हैं उनको आपको जनरेट करने के लिए जो कंपोनेंट रिक्वायर्ड होता है उसको कहते हैं मल्टीकास्ट। तो अगर आप कॉमन में जाओगे तो यहाँ पर आपको जो मल्टीकास्ट है वो मिल जाएगा, ठीक है, और मल्टीकास्ट को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो यहाँ पे और फिर इसको सोर्स से जो है वो कर दो कनेक्ट, ठीक। अब इसको जो है डबल क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पे अभी इसमें जो है वो कोई भी आउटपुट आपको नहीं दिख रहा है, सब कुछ जो है वो ब्लैंक है। जैसे जैसे आप इसको आउटपुट से कनेक्ट करते जाओगे, डेस्टिनेशन से कनेक्ट करते जाओगे, वैसे वैसे यहाँ पे आपको आउटपुट लाइन जो है वो दिखती जाएंगी, कितने आउटपुट आपने क्रिएट किए वो आपको दिखते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आपको एक और आउटपुट लाइन जो है वो दिखने लगी है कि आप इसको कहीं और भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे मल्टीपल आउटपुट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसको कन्फिगर नहीं करते हैं, अभी इसको मल्टीकास्ट को हम फिर से डबल क्लिक कर लेते हैं और ये देखिए आपको यहाँ पे आउटपुट का एक जो है वो एक लाइन आउटपुट की अभी जनरेट हो गई। अच्छा, मल्टीकास्ट के अंदर जो आपकी प्रॉपर्टी हैं ये सारी की सारी रीड ओनली प्रॉपर्टीज हैं, आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो सिवाय इस नाम के। तो इस नाम को आप चेंज कर सकते हो और इसको लिख सकते हो आप SQL आउटपुट, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो SQL आउटपुट, या फिर आप इससे बेहतर आप इसको नाम दे सकते हो अपनी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको SQL से कनेक्ट कर रहे हैं तो इसको लिख देते हैं SQL आउटपुट, तो हमारा वो SQL आउटपुट हो गया। अब इसको जो है वो कन्फिगर कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है ऑर्डर लिस्ट कॉपी, ये वाली नहीं, ऑर्डर लिस्ट कॉपी, इसको जो है वो मैप करवा देते हैं यहाँ पे, इसकी मैपिंग जो है वो हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर चलते हैं SSMS पे और ऑर्डर लिस्ट जो हमारी सोर्स टेबल है उसमें हमारे पास जो है वो डेटा है, पर ऑर्डर लिस्ट जो है वो
कॉपी टेबल, ऑर्डर लिस्ट कॉपी, इसमें हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, तो इसमें डेटा जो है वो आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेस्टिनेशन ले आते हैं दो और, जिसमें एक का नाम है एक्सेल डेस्टिनेशन और एक का नाम है फ्लैट फाइल डेस्टिनेशन। ठीक है, नहीं ओरीडीबी नहीं, फ्लैट फाइल डेस्टिनेशन, कभी कभी ये ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करने देता है। ठीक से, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया है। अब ये यहाँ पे रख लिया इसको। अब क्या करते हैं, इसकी एक और आउटपुट लाइन को यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो दो आउटपुट लाइन कनेक्ट कर दी, फिर से जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक और आउटपुट लाइन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो मल्टीपल आउटपुट लाइन जितनी भी आप कनेक्ट करना चाहो वो आपको यहाँ पे मिल दी जाती हैं, तो इसको आप यहाँ पे फ्लैट फाइल से कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है वो इसकी तीन आउटपुट लाइन का यूज किया हुआ है और हमने तीन जो है वो यहाँ पर डेस्टिनेशन लिए हुए हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप जो है आउटपुट लाइन क्रिएट करके सीधा डेस्टिनेशन में ले जाओ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर कैलकुलेटेड कॉलम लगा सकते हो, ड्राइव्ड कॉलम लगा सकते हो, या फिर कोई और ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो, यानी कि आप जो है इस सोर्स की एक कॉपी बिल्कुल बिना किसी चेंजेस के एक्सेल में भेज सकते हो, कुछ चेंजेस करके आप उसको फ्लैट फाइल में भेज सकते हो, और कुछ चेंजेस करके आप जो है वो उसको एक्सेल में भेज सकते हो, या फिर इसमें भी चेंजेस कर सकते हो, जहाँ भी आप कॉपी सेम रखना चाहो वहाँ पे सेम रख सकते हो, और जहाँ पे आप चेंजेस करना चाहो वहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो, ये पूरी तरह से अलाउड होता है। ठीक है, तो वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने तीन कॉपी बना के सिंपल कहीं रख दी, उसमें आप जो है और ट्रांसफॉर्मेशन या फिर जहाँ डेटा फ्लो में आपको जो जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं यहाँ पे उनका आप जो है वो यूज कर सकते हो, कि जैसे आप यहाँ पे आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, पिवट ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, रो सैम्पलिंग लगानी है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसी वीडियो सीरीज़ में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्या करते हैं, इस एक्सेल को रियल क्विक कन्फिगर कर देते हैं और इस प्लेट फाइल को भी कन्फिगर कर देते हैं। ठीक है, तो इस पर डबल क्लिक किया मैंने, ये हमारा विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं और इसकी फाइल जो है इसको लोकेट करा देते हैं। इस फाइल का नाम है ऑर्डर लिस्ट और ये फाइल जो है इसमें कोई डेटा नहीं है, हम इसको वैलिडेट करेंगे अभी। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना, सीट ले लेनी है आपकी, जो भी रेलिवेंट रिक्वायर्ड सीट है, और यहाँ पर जो है वो कॉलम मैप हो गए हैं, जो बच गया उसको मैं मैप करा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आप इसका प्रीव्यू करके देख लो, इसमें कुछ डेटा है क्या, एग्जिस्टिंग कोई डेटा नहीं है, फाइल जो है बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, ओके, ऐसे ही आपको क्या करना है, फ्लैट फाइल को भी जो है वो इसकी फाइल से कनेक्ट करा देना है। डेलिमिटर जो फाइल हमारी रहेगी वो डेलिमिटेड रहेगी, इसको ओके कर दीजिए और फाइल को जो है वो कनेक्ट करवा दीजिए। तो यहाँ से जो है हम वो न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, ये 0 KB का ब्लैंक फाइल है, इसका नाम जो है आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर उसका नाम ले सकते हो, मैंने उसको डॉक्यूमेंट ही रख दिया है, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है कि कॉलम नेम जो है आपके फर्स्ट रो में है, तो यहाँ पर मैंने इसको चेक कर दिया है, इसका आप प्रीव्यू कर लो एक बार, प्रीव्यू आपका जो है वो परफेक्ट आ गया है, यहाँ पर कॉलम हेडर जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ से एक बार आपको मैपिंग जो है वो रिफ्रेश कर देनी है, तो मैपिंग आपने रिफ्रेश कर दी और ये हो गया ओके। ठीक है, तो अब जो है किसी भी फाइल में हमारे पास डेटा भी नहीं है और ना ही टेबल में डेटा है, तो इसको जो है वो हम रन करवा देते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है वहाँ पे। तो इस तरह से ये क्या करेगा, एक सोर्स की तीन कॉपी बना देगा आपके लिए। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल 92 रो यहाँ से आई, 92 रो इधर ट्रांसफ़र हो गई, 92 रो इधर ट्रांसफ़र हो गई और 92 रो जो है वो इधर ट्रांसफ़र हो गई। तो अगर आपकी सिंपल सी यही रिक्वायरमेंट थी कि आपको एक डेटा जो है वो तीन जगह स्टोर करना है, तो आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो डन हो गई है। पर अगर आप इस पर कोई कैलकुलेशन करना चाहते हो किसी भी आउटपुट लाइन पे, कि यहाँ पे आप कैलकुलेटर कॉलम ऐड करना चाहते हो या फिर कोई और चीज़ करना चाहते हो, तो वो भी आप जो है वो रेलिवेंट कंपोनेंट यूज करके कर सकते हो। ठीक है, अब इसको जो है बंद कर देते हैं, एक बार डेटा वेरीफाई कर लेते हैं, और हमारा जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट था इसको क्लिक करते हैं और ये देखिए यहाँ पे डेटा जो हमारा है वो आ चुका है एकदम परफेक्ट। और उसी तरीके से हम ऑर्डर लिस्ट की टेबल देख लेते हैं, एक्सेल फाइल देख लेते हैं, तो हमारी जो एक्सेल फाइल में भी डेटा हमारा सेम आ गया है। और इसी तरीके से हम चलते हैं SSMS पे, और जो हमारी कॉपी टेबल थी यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट की कॉपी टेबल, कुछ डेटा नहीं था इसमें, इसको जो है रन करवा देते हैं और देखिए यहाँ पे भी डेटा आ गया है। तो इस तरह से जो मल्टीकास्ट कंपोनेंट है वो आपका एक ही जो सोर्स है उसको डिफरेंट डेस्टिनेशन से कनेक्ट करने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाता है। तो इस तरह से आप जो है एक ही सोर्स पे डिफरेंट आउटपुट जनरेट कर सकते हो। तो इस तरह से ये वीडियो जो हमारा है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है,
और यहाँ पर ये चीज़ हमने देख ही ली थी कि इसको अगर आप रीनेम करना चाहो तो आप अपने जो है उसको रिलेवेंट नाम दे भी सकते हो। यहाँ पे हमने एक को रीनेम किया हुआ है, दो यहाँ पर जो है वो डिफ़ॉल्ट नेम के साथ आए हुए हैं, तो इनको आप यहाँ पे क्लिक करके रीनेम कर सकते हो, बाकी की प्रॉपर्टी आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।